आप कहते हो सर हमें स्टॉक मार्केट वगैरह कुछ नहीं आता, शेयर मार्केट वगैरह कुछ नहीं आता, फाइनेंशियल ज्यादा कोई नॉलेज है नहीं, एसआईपी क्या हम कर सकते हैं, क्या हम कंपाउंडिंग के तहत पैसा कमा सकते हैं? मैं कहता हूं हाँ, स्टॉक मार्केट नहीं आता कोई बात नहीं, सब बताता हूं। मान लो आपको टाटा कंपनी बहुत पसंद है, टाटा इतनी बड़ी कंपनी, टाटा में अगर आपको हिस्सेदारी खरीदनी है तो नहीं होगा क्योंकि पैसे बहुत लगेंगे। टाटा की हिस्सेदारी खरीदने के लिए अरबों करोड़ों रुपए चाहिए, मगर ये गलत है सर। टाटा की हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है स्टॉक मार्केट के जरिए। आप टाटा के शेयर खरीद लो, टाटा के शेयर अगर आपने खरीद लिए तो शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी, हिस्सेदारी आपने खरीद ली। अब आप कहोगे सर शेयर मार्केट हमें आता नहीं है, स्टॉक मार्केट हमें आता नहीं है, तो मैं कहता हूं आपको स्टॉक मार्केट के एबीसी जानने की जरूरत भी नहीं है। कैसे, समझाता हूं। मान लो मैं सागर, मेरा एक दोस्त है अमित, मुझे स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं आता, और मेरा जो जानने वाला अमित है वो स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी है, उसको सारी कैलकुलेशन करनी आती है, कब कंपनी कौन सी ऊपर जाएगी कौन सी नीचे जाएगी सब आता है उसको। तो अमित क्या करता है, 10 कुछ अच्छे अच्छे शेयर चुनता है, इस कंपनी के, उस कंपनी के, उस कंपनी के शेयर चुनता है, और उन सब पे थोड़ा 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 पैसा डालता है। और अमित मुझे कहता है कि सागर तेरे को तो नहीं आता कुछ स्टॉक मार्केट का, एक काम कर मेरे पे भरोसा कर, मेरी नॉलेज तो तेरे को पता ही, हाँ तेरी नॉलेज तो बहुत बढ़िया है स्टॉक मार्केट, तू तो मास्टर आदमी है। तो बोला ठीक है अपना पैसा तू मेरे को दे, मैं ये जो ग्रुप बना रखा है मैंने, 10 शेयर मैंने खरीद रखे हैं और ये 10 शेयर का एक ग्रुप बना रखा है मैंने, तू इस ग्रुप में पैसा डालेगा ना ये 10 शेयर में तेरा पैसा चला जाएगा। तो मैं उससे पूछता हूँ कि भैया क्या गारंटी है कि ये शेयर अच्छे हैं? बोला अरे तू मुझे जानता है ना, मैं तो एक्सपर्ट हूँ। बोला हाँ तू तो एक्सपर्ट है, तूने अगर चुना है तो अच्छा ही चुना होगा, ले पैसा मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। तो ग्रुप में डालते ही उन 10 शेयर में मेरा पैसा चला गया। अब एक सवाल ये उठता है, मैं उससे पूछता हूँ कि भाई कल को तू नहीं रहा तो मर गया तो? बोला कोई बात नहीं, ये ग्रुप को मैंने एक कंपनी बना दी है, ये कंपनी चलती रहेगी। फिर मैंने बोला ये जो तूने ग्रुप का लिंक मेरे को दिया है, ये ग्रुप कल को डिलीट हो गया तो? बोला कोई बात नहीं, मैंने ऐप बना दिया है, कल को ऐप ना भी रहे तो जिस बैंक का तूने ये खरीदा है, बेसिकली बैंक आपको देती है म्यूचुअल फंड, वहां जाकर के अपना बॉन्ड पेपर दिखाना, वो तुमको दे देंगे जो भी तुम्हारा हिसाब किताब बनेगा। बोले बहुत बढ़िया, कल को वो अमित ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो ऐप ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपने पूछा था पिछले वीडियो में, सर जो ऐप आप बता रहे हो वो ऐप कल को बंद हो गया तो? सर कोई दिक्कत नहीं है, बंद हो जाए। सर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी हरकत करने के लिए ना एक ब्रोकर की जरूरत होती है, बिना ब्रोकर के आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्टॉक मार्केट ऐसा कोई दुकान नहीं है जहां आप घुसते हो शेयर खरीद बिक्री कर लेते हो, उसको वहां कुछ भी हरकत करने के लिए एक ब्रोकर आपको चाहिए। तो ब्रोकर होता है ऐप, तो आज बताऊंगा उस ऐप को कैसे यूज करना है, उस ऐप में कैसे डालना है, उस ऐप से कैसे निकालना है, उस ऐप में क्या टैक्स लगता है, क्या फाइन लगता है, सब बताऊंगा आपको। तो अभी तक इतना समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये समझ लो वो जो अमित था वो एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या होती है? म्यूचुअल फंड कंपनी में एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी होते हैं, वो कहते हैं आप हमें पैसा दो जितना भी देना है, 1,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना, जितना भी देना है हम उनको इन स्टॉक्स में डालेंगे, ठीक है। अच्छा म्यूचुअल फंड की एक कंपनी है क्या? नहीं, बहुत सारी भदेरी कंपनी है, कोटक का अपना है, SDFC का अपना है, SBI का अपना है, सबके अलग अलग है, ठीक है। तो किसी में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कौन सी चुने, किस में इन्वेस्ट करें। अच्छा ये भी देखना है किस में हमें चार्जेस लगते हैं, किसका कितना कमीशन है, ये सब भी देखना है भैया। वो सब देखना सिखा दूं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यार, वो सब देखना सिखा दूं, चूज करना सिखा दूं, कंपाउंडिंग करना है ना, पैसा कमाना ना कंपाउंडिंग से। उससे पहले एक चीज दिखाता हूं, मोबाइल पर दिखाता हूं, नहीं तो पिछले सेशन में जैसे मैंने टैब पर दिखाया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था हम कहां से करेंगे, तो आज मोबाइल पर ही दिखा देता हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर रहे। तो मेरा मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने है और गूगल में मैंने लिख लिया है, ये देखो निफ्टी 50, मैंने सर्च किया है निफ्टी 50, ठीक है। तो निफ्टी 50 सर्च करते ही ये ग्राफ आ जाता है, और ये ग्राफ में जैसे निफ्टी 50 क्या है समझा देता हूँ जरा सा। निफ्टी 50 स्टॉक मार्केट में इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या होता है? स्टॉक मार्केट की टॉप 50 कंपनी, जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये सब टॉप की 50 कंपनियों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप को बोलते हैं इंडेक्स, और उस इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50। एक इंडेक्स BSE है, टॉप की 30 कंपनियों का वो ग्रुप है, एक इंडेक्स निफ्टी 50 है जो टॉप की 50 कंपनियों का ग्रुप है, ठीक है। ये इंडेक्स के बेसिस पे हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डाउन रहा है, अप रहा है, कैसा रहा है। निफ्टी 50 अगर अच्छा है मतलब टॉप की 50 कंपनियों में अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा टॉप की 50 कंपनी अगर अच्छी है तो बाकी भी ठीक ठाक रही होंगी। अच्छा टॉप की 50 कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो तो बाकी भी गड़बड़ होंगी। तो टॉप की 50 कंपनी का परफॉर्मेंस हम कहां देखते हैं? निफ्टी 50 में। तो हम निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस अगर देख रहे हैं तो हम शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ठीक है। अब शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस ये देखो 2003 से, ये 2003 में आप देखो शेयर की प्राइस कितनी थी भैया, यहां दिखा रहा है 1,000 रुपए, 1,085 रुपए, ठीक है। और इसी तरीके से अब देखो आप अभी चल रहा है भैया 2023, और 2023 में क्या दिखा रहा है शेयर का प्राइस,
359,000 रुपए, यानी कि 2003 में किसी ने अगर पैसे डाले होंगे 1,00,000 रुपए, तो अभी उसके 17,00,000 रुपए बन चुके होंगे। एनुअल अगर आप देखो तो 15% से ज्यादा का रिटर्न मंथली है, एनुअली है। लॉन्ग टर्म में आप देखो 2003 से लेकर के ये 2021 तक सर मार्केट ऊपर ही गया है, है ना, ऊपर ही गया है। लोग कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में रिस्क है, डाउन अप होता रहता है, पैसा बर्बाद हो गया। अरे डाउन अप होता रहता है, जिंदगी में डाउन अप नहीं होता क्या? ऐसी किसकी जिंदगी जिसमें अप डाउन नहीं होता है? लेकिन इंसान योद्धा वही है, खिलाड़ी वही है जो अंततः अपनी जिंदगी को ऊपर लेके चलता है। उसके जिंदगी का ग्राफ, उसकी कमाई का ग्राफ, उसकी तरक्की का ग्राफ ऊपर की तरफ हो, जिंदगी उसी का मजेदार है, योद्धा खिलाड़ी वही है। तो स्टॉक मार्केट भी एक खिलाड़ी की तरह है भैया, एट द एंड ये जाएगा ऊपर। कहते भी है आदमी हो या स्टॉक मार्केट, एक दिन जाना इसको ऊपर ही है, ठीक है। लेकिन इस बीच में आप देखो कितना अप डाउन हुआ है, ये इधर नीचे गिरा है, यहां भी नीचे गिरा है। अच्छा, किसी ने अगर अपना पैसा इस मोमेंट पर निकाला होगा तो लॉस में निकाला होगा, हो सकता है इस मोमेंट में निकाला होगा लॉस में निकाला होगा, लेकिन अभी अगर यहां निकाला होगा तो प्रॉफिट में निकाला, है ना, समझ रहे हो? यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म का गेन है। अगर आप लॉन्ग टर्म लंबे समय तक इसमें पैसा डालते हो तो भैया प्रॉफिट ही होना है लंबे समय तक, क्योंकि जाना इसने ऊपर ही है ना, ये देखो ना, गया तो ऊपर ही है, नीचे थोड़ी आया है, ये 20 साल की बात कर रहा हूं। अब हमारा कंसर्न ये है कि हमारे को स्टॉक मार्केट में पैसा डालना नहीं आता, स्टॉक मार्केट की इतनी समझ नहीं है, तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट की समझ आपको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। कंपाउंडिंग का फायदा लेना है ना, हम फायदा लेंगे एसआईपी के जरिए। एसआईपी के जरिए हम कैसे फायदा लेंगे, कुछ चीजें आपको फिर से दिखाता हूं। मैं इसी गूगल में सर्च करता हूं एसआईपी कैलकुलेटर, एटी मनी मैंने सर्च कर लिया। यहां पर देखो मैं 1,000 रुपए मंथली, सिर्फ अगर 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करता हूं 20 साल के लिए, मैं 5 साल नहीं ले रहा, मैं 10 साल नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको दिखाया शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में घुसने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेडिंग वेडिंग की बात नहीं कर रहा, ट्रेडिंग वेडिंग का अलग चैप्टर है, मैं इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूं, और वो भी इन्वेस्ट हम एसआईपी के थ्रू बात कर रहे हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब सिर्फ इतना है भैया मंथली करते चले जाओ, वो टर्मिनोलॉजी पे मत जाओ। एसआईपी जैसे आप आरडी समझते हो ना, बैंक में हम आरडी करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने कुछ ना कुछ डालते हैं, आप एसआईपी उसी को समझो। हाँ, वहां बैंक को हम पैसा देते हैं, यहां पर हम स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं। वहां बैंक में डाला था, यहां स्टॉक मार्केट में डलता है, बस इतना ही समझ। अच्छा, स्टॉक मार्केट में डल रहा है तो भैया स्टॉक मार्केट में थोड़ा गेम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए घुसोगे तो गेम छोटा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जब आप घुस रहे हो मार्केट अच्छा है, लेकिन आपके घुसते ही 2 महीने बाद मार्केट डाउन हो गया तो आपके लिए खराब होगा। लेकिन उस केस में करना क्या है, 2 महीने में निकलना नहीं है, टिके रहना, क्योंकि मार्केट फिर ऊपर आएगा, अभी ग्राफ दिखाया ना आपको, ठीक है। 20 साल के लिए हम घुसे, 1,000 रुपए महीना हम डालते चले गए एसआईपी में, कैसे डालेंगे वो बताऊंगा, निश्चिंत रहो, सब इसी फोन पे करके दिखाऊंगा, सब करके दिखाऊंगा आसान भाषा में। अच्छा, 15% के हिसाब से, क्योंकि 15% तो मैंने आपको प्रूफ किया ना अभी, 2003 से लेकर 2020 तक अगर 1,00,000 रुपए 17,000 बन जाता, यानी कि 1,000 था उस वक्त, अभी 17,000 है, तो 15% से ज्यादा का ही रिटर्न मिल रहा है एनुअली, तो मैंने इसलिए यहां पर 15% ले लिया, ठीक है। अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये देखो भैया, आपका पैसा बन जाता है, सॉरी, आपने इन्वेस्ट किया है 2.4 लाख और आपको जो रिटर्न बन रहा है सर 15,00,000 रुपए, सिर्फ 1,000 रुपए 20 साल तक अगर हम देते हैं तो 15,00,000 रुपए बनता है। यहां पे देखो सर, ये वाला ग्रे वाला एरिया देख रहे हो, ये ग्रे वाला वो एरिया है जो आपने इन्वेस्ट किया है, इतना ही पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, और ये जो ब्लू वाला एरिया है ये आपका रिटर्न वाला पैसा है। मतलब रिटर्न कितना ज्यादा है और इन्वेस्ट कितना कम किया है, इन्वेस्ट सिर्फ इतना ही किया है ना, 2.5 लाख रुपए के लगभग, और रिटर्न मेरे को मिला है 15,00,000 रुपए। गेन मतलब जो मेरा प्रॉफिट है वो 12,00,000 रुपए का प्रॉफिट है। अच्छा, ड्यूरेशन कम करने से देखो कैसा जादू होता है, 5 साल, ठीक है, 15% के हिसाब से कैलकुलेट। देखो आपने जमा कितना किया, आपने जमा किया भैया 60,000 रुपए, टोटल आपको जो मिल रहा है 89,000, 60,000 रुपए दिया और 90,000 रुपए के आसपास मिल रहा है, यानी कि ये जो देखो ग्रे वाला एरिया है, आपने दिया इतना है, मिला आपको इतना है, यानी कि इस केस में आपने दिया ज्यादा मिला कम। कंपाउंडिंग में खेल पैसे का नहीं है सर, कंपाउंडिंग में खेल समय का है, और इसी समय की कदर आजकल के लौंडे लपाड़े करते नहीं है।